आइए आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ और समझाता हूँ आपकी बैटरी इंडस्ट्री में हो क्या रहा। एक व्यक्ति है चमनलाल जिसकी तबीयत खराब है और वो डॉक्टर के पास जाता किसी झोला छाप डॉक्टर के पास और बताता है डॉक्टर साहब तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। डॉक्टर उसको साधारण दवाइयां दे देता है, कुछ एंटीबायोटिक उसको वो खाता है पर फिर भी ठीक नहीं होता। तो अगले दिन डॉक्टर के पास पुनः जाता है, डॉक्टर फिर उसको कोई एक दवाई और नए इन्फेक्शन की देता है पर बात अभी भी ठीक नहीं होती। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, ऐसा लगातार छह दिन तक जब वो करता है तो उसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती। परिवार वाले उसको किसी अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से एडमिट कराते। जब वहां उसको एडमिट कराया जाता है तो बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ चुका होता है। डॉक्टर जब उसको डायग्नोस करता है तो पाता है कि पैर के नाखून में एक छोटा सा घाव। डॉक्टर देखता है वो घाव आज बढ़ के उसका बॉडी में इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है। डॉक्टर तुरंत फैसला लेता है कि उस अंगूठे को वो काट के निकाल देंगे। जब वो पैर से अंगूठा कट जाता है चमनलाल वापस से ठीक हो जाता है। इस कहानी से समझना ये होगा कि हमारी इंडस्ट्री के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम को ना सोल्यूशन, क्योंकि हमें डायग्नोस ही नहीं किया तो हम ना सोल्यूशन को समझते हुए हम कुछ और भी सोल्यूशन उसमें इम्प्लीमेंट करने लगते हैं एज झोला छाप डॉक्टर, और स्थिति फिर और ज्यादा खराब हो जाती है, बैटरी के अंदर इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे एक मित्र के साथ अभी बिल्कुल रिसेंटली ऐसा हुआ। उनको लगा कि उनकी बैटरी में जो शिकायत आ रही वो सेपरेटर की वजह से आ रही, उन्होंने उस कंपनी का सेपरेटर लगाना बंद कर दिया। प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुई तो उन्होंने उसका कार्बन बदल दिया। कार्बन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उन्होंने ग्रेफाइट भी डालना बंद कर दिया। उनको लगा कि जब हम पहले ऐसा करते थे तब प्रॉब्लम नहीं आती थी, आज प्रॉब्लम क्यों आ रही है। परेशानी में वो आज भी नहीं पहुंचे। स्थिति क्या हुई, जब ये सब चीजें उनको फेटअप करने लगी तो एक समय पर आकर उन्होंने उस प्लांट को बंद कर दिया, यानी कि उस अंगूठे को काटना। यदि आप इस चीज को कोरिलेट कर पा रहे हैं, इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आज आप लोग ये प्रण लीजिए कि हम ऑथेंटिकेटेड प्रोसेस से चीजों को करेंगे, ना कि अंधविश्वास से या किसी झोला छाप डॉक्टर से। चीजों को टेस्ट एंड ट्रायल प्रोसेस पे लेके जाइए, चीजों को समझिए और जहां प्रॉब्लम हो केवल उसका इलाज करिए, बाकी जगहों पर दवाई मत दीजिए। तो यह था आज का ज्ञान। मिलेंगे अच्छे और किसी ज्ञान के साथ में आगे आने वाली वीडियोस में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।